हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एम एजुकेशन ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो बेटा आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा हम आगे लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा उसको जो इम्प्रूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, और आज का आपका टाइटल है बेटा हाउ टू पुट एंगल। आज का आपका टाइटल क्या है? हाउ टू पुट एंगल। इसको मैं इस टाइटल की बात क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप जो है जब अभी आपने जो बेटा 10th में क्वेश्चंस किए होंगे बेटा वो सब्जेक्टिव किए होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में क्या है, आप काफी सारे पेज भर रहे हो ना, आंसर सेम ही आ रहा है, बट हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो या एक फंडामेंटल मेथड है बेटा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा, आप सिर्फ वहां पे लगा सकते हो बेटा जहां पे एंगल पुट करने के बाद आपका जो बेटा क्वेश्चन है वो डिफाइन होता हो। ठीक है, तो सबसे पहले कि बेटा इसमें जो है आपका ए दे रखा बेटा कॉस एफ थीटा माइनस साइन थीटा, एंड बी बेटा दे रखा आपको सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहां पे बेटा जीरो रखता हूं तो आप देखिए बेटा साइन जीरो जीरो बनाएगा और कॉस एक्स जीरो बेटा क्या अनडिफाइंड है, यानी कि मैं जीरो नहीं रख सकता बेटा। फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, यहां पे कॉस 90 बेटा क्या होगा? जीरो होगा। और आप जो है बेटा इसको देखो, सेक 90 का जो बेटा अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि आप जीरो और 90 नहीं रख सकते। अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची हुई है? 30, 60 और 45 हमारे दिमाग में चल रहा है, लेकिन जो वैल्यू बेटा 45 का, जो बेटा 45 पे साइन देगा वही बेटा 45 पे कॉस देगा, जो वैल्यू बेटा 45 पे कॉस एक्स देगा वही वैल्यू क्या देगा? सेक देगा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन दोनों की सहमति से बेटा मैं कह सकता हूं कि हम जो है यहां पे 45 रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, पुट थीटा इज टू 45, ऐसा बेटा मैंने क्या किया, इसमें 45 पुट कर दिया। अब जादू देखते हैं जादू क्या होता है, जादू क्या होगा बेटा, है ना। तो मैं जो आंसर बहुत आसानी से मिलेगा यहां पे, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने ए बेटा कॉसेक 45 क्या होगा आपका? रूट टू। क्या होगा बेटा? रूट टू माइनस साइन 45। यहां पे बेटा आपने 45 रखा तो बेटा साइन ऑफ 45 क्या हो जाएगा आपका? 1/√2। आपने इसका एलसीएम लिया तो बेटा आपका क्या आएगा? रूट टू माइनस वन, यानी कि रूट टू इंटू रूट टू क्या बनेगा बेटा? 2 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी आपने ये ले लिया और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? 1/√2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर मैं बी की बात करूं यहां पे तो बी का वैल्यू भी सेम आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो यहां पे एक बार आपके सामने लिख देता हूं आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बेटा यहां पे देखिए आप बी का अगर आप बात कर रहे हो बेटा तो ये क्या सेक 45, यानी कि √2 - 1/√2, ऐसा। ठीक है, तो बी वही बेटा सेम आएगा आपका आफ्टर सॉल्विंग 1/√2। अब आपने एक चीज क्या देखी, आपने एक चीज यहां पे क्या देख ली, अरे कि भैया ये जो 1/√2 है बी भी आपका और बेटा ए भी आपका क्या है? 1/√2 है, यानी कि ए और बी दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ए इज टू बी, बिल्कुल बेटा, और इन दोनों का वैल्यू क्या है? 1/√2 है, बिल्कुल है। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को आपके सामने लेकर के आऊं, ये आपका क्या है बेटा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और आपका है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3, ऐसा। अब आप देखिए सीधे सीधे अगर वैल्यू भी आप रख रहे हो तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा? 1/2। क्या होगा बेटा? 1/2। और बी स्क्वायर का भी बेटा क्या हो जाएगा? 1/2। ब्रैकेट में आप इसको लेकर के जाइए, ए स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस बी स्क्वायर बेटा क्या होगा? 1/2 प्लस क्या हो जाएगा? 3, ऐसा। तो 1/2 और प्लस 1/2 आपका बेटा क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। तो मैं इसको क्या ले सकता हूं? 1/4 इंटू 2 इंटू 2 बेटा क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और 3 ये दोनों मिलकर के बेटा क्लब करके 1 बनाएंगे तो 3+1 बेटा आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। देखा आपने, आप इस क्वेश्चन को बेटा इसका सब्जेक्टिव मेथड भी है, आपने 10th में बेटा ये क्वेश्चन किया हुआ और सिर्फ ये 10th का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा ये क्वेश्चन आपकी जो समझ में आया होगा, है ना। कुछ नहीं गया बेटा, बेसिक सा कैलकुलेशन किया है, कुछ नहीं गया बेटा, बेसिक सा कैलकुलेशन किया है। और हमने बेसिक से कैलकुलेशन में क्या है बेटा आपका? सिर्फ एंगल पुट किया है। ओके, सो बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बेटा, एफ एम इज क्वेश्चन टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड एन इज क्वेश्चन टू कॉस एक थीटा माइनस साइन थीटा, देन फाइंड बेटा
एम स्क्वायर एन रेस टू पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर रेस टू पावर 2/3 आपको जो है बेटा इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा सेम ही सेम आपने पिछला वाला जो बेटा क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन भी बेटा आपका टेंथ में है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपके बेटा एग्जांपल्स में मिल जाएगा आपको 40 या 41 के कहीं कहीं आसपास है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ऐसे 4-5 क्वेश्चन है एटलीस्ट टेंथ में बेटा एग्जाम्पल्स में और एक दो एक्सरसाइज में भी है। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे बेटा आपको ये सब्जेक्ट तदबी से बेटा आपने इसको सॉल्व किया हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे बेटा एंगल पुट करने की बात कर रहे हैं। एंगल पुट कैसे करेंगे देखिए फटाफट से, यहाँ पे ये बेटा वही मैंने बोला था अगर बेटा 3 या 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ इन्वॉल्व हो जाए एंगल क्या पुट करना है थीटा, तो थीटा आप बेटा क्या पुट करोगे यहाँ पे 45। अगर आप 45 पुट करोगे तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एम इसको शू किया बेटा √2 - 1/√2 तो ये बेटा आपका क्या आ जाएगा 1/√2 ऐसा हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट एन बेटा क्या होगा आपका √2 - 1/√2 तो ये भी बेटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा 1/√2 के इक्वल हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे उम्मीद है। आपने क्या किया बेटा एम और एन आपके क्या है इक्वल है ये वाली बात, यानी कि इसका मतलब क्या है एम जो है बेटा एन के इक्वल है। ठीक है, अगर एम बेटा एन के इक्वल है तो आप क्या कर सकते हो आप जो बेटा एम की जगह एन को प्रकट कर सकते हो। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो तो ये बेटा क्या हो जाएगा एम यहां पे एम स्क्वायर इंटू एम रेस टू पावर 2/3 प्लस बेटा यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका एम इंटू एम स्क्वायर रेस टू पावर 2/3। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा क्योंकि एम और एन दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है जो बेटा 1/√2 के है ना, तो यहां पर आप क्या बन जाएगा एम क्यू रेस टू पावर 2/3 प्लस एम क्यू रेस टू पावर 2/3 ऐसा आएगा कि नहीं बेटा। इस 3 से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बेटा क्या बन जाएगा आपका 2m² क्या बन जाएगा 2m² और m का वैल्यू क्या बेटा 1/√2 तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर तो बेटा आपका क्या बनेगा 2 × 1/2 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है बेटा जो कि सब्जेक्ट में हमारे पेज भर देते हैं बेटा हम इस मेथड से बेटा एंगल पुट करने वाले से कितनी जल्दी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। ठीक है, हमने जो है बेटा यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बेटा तुम लोगों को ये जो है समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है तो बिल्कुल तुम्हें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बेटा बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है आपका इफ ए इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इफ ए इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस कॉट थीटा एंड बी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देन फाइंड बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसका वैल्यू बेटा आपको बताना है। तो मैंने बेटा जैसे कि अभी जो क्वेश्चन हमने किए हैं बेटा हमने उनमें एक बात क्या देखी, मैंने आपको एक बात बार बार मैं बोल रहा हूं कि जहां 3 से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो बेटा वहां पे एंगल आपको क्या पुट करना है 45। ठीक है, 45 क्यों पुट करना है क्योंकि थोड़ा आसान रहता है, बाकी के बेटा आपके वैल्यू ऐसा नहीं है कि आप जो है 30 या 60 से वैल्यू लेकर के नहीं आ सकते हो, बिल्कुल लेके आ सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें मैंने देखा है बेटा 30 और 60 से करके कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट यू हैव टू पुट योर एंगल 45। ओके, सो हम फिर से क्या करते हैं बेटा कि हम यहां पे एंगल क्या पुट कर रहे हैं 45। तो मैं अगर 45 पुट कर रहा हूं देखिए पुट थीटा इक्वल्स टू 45। ओके, अगर बेटा मैं 45 यहां पे पुट करता हूं तो पहला देखिए फटाफट से क्या बनेगा आपका ए इक्वल्स टू टेन ऑफ 45 माइनस कॉट ऑफ 45। ओके, टेन ऑफ 45 का बेटा वैल्यू 1, कॉट ऑफ 45 का बेटा वैल्यू 1, तो ए बेटा आपका क्या आ जाएगा 0।
यहां पे हमारे बेटा क्या थे, दो वेरिएबल थे ए और बी। अगर यहां पे बेटा हमारे दो वेरिएबल है उसमें से एक तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो बेटा कैलकुलेशन हमारा नो डाउट बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा अगर मैं यहां पे अगर बेटा बी की जगह 45 डालता हूं तो साइन थीटा बेटा यानी क्या हो जाएगा 1/√2, और ये बेटा आपका कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा 1/√2 ऐसा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका 2/√2, क्या बन जाएगा 2/√2। तो बेटा रूट टू से आपका ये रूट टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√2। हमें क्या करना है, जो फाइंड करना है बेटा उसमें फटाफट से आप जो है, इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड। देखिए बेटा कैसे चुटकी में आपके आंसर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। ए का वैल्यू आपको बेटा क्या डालना है यहां पे, जीरो। बी का वैल्यू क्या डालना है बेटा, रूट टू। आपने बी स्क्वायर यानी कि बी अगर रूट टू है तो बेटा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 - 1 बेटा आपका क्या होगा 1 होगा, और 1 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं यहां पे, तो रूट टू का स्क्वायर बेटा यहां से मैं सीधे यहां पहुंच रहा हूं -1 का होल स्क्वायर, और आपका है बेटा 0 यानी कि ए तो आपका 0 है, ये वाला तो बेटा आपका 0 ही होगा। तो रूट टू का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा आपका 1, और 1 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 × 4, तो यही बेटा 4 आपका क्या है आंसर है। तो आपने देखा कि जिन क्वेश्चंस को बेटा पेज भर के कर रहे थे सब्जेक्टिव मेथड से, आप उनको एंगल पुट करके कुछ ही समय में कर सकते हो। ओके, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, है ना, बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि आप समझ नहीं पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है, मैं इधर से लिख देता हूं, हो सकता है बेटा आपको उधर से दिखाई ना दे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है बेटा, आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉज एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए बेटा, इसमें तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए आपके बेटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, नहीं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। मैंने बोला था कि जहां 3-4 दिखे वहां पे एंगल क्या रख देना बेटा 45 रख देना, क्या रख देना एंगल 45 रख देना, लेकिन यहां तो क्या कर दिया, आसान कर दिया हमारा काम, क्या कह दिया सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिया बेटा। फिर भी फिर से आपको क्या पुट करना है, थीटा बेटा 45 ही पुट करना है। अगर थीटा 45 पुट करते हो ये क्या बनेगा बेटा 1/√2, और ये क्या बनेगा आपका √2। तो देखते हैं बेटा क्या आता है, वैल्यू रखिए फटाफट से आप, पहले आप रखोगे तो बेटा क्या बनेगा, मैं इधर से लिख देता हूं आपको थोड़ा आसानी रहेगा। तो बेटा 1/√2, अच्छा इधर से लिख देता हूं, नहीं मेरा हाथ कभी हो सकता है ऐसे, बेटा दिख रहा होगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 1/√2 प्लस ये आपका हो जाएगा √2 और उसके क्या बेटा स्क्वायर प्लस, यहां से आप देखिए कॉज एक्स बेटा आपके हो जाएगा 1/√2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर, और माइनस टेन 45 यानी कि बेटा 1 और कॉट 45 बेटा यानी कि 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा बेटा। √2 आपने क्या किया बेटा, एलसीएम ले लिया। अगर बेटा आप √2 एलसीएम ले रहे हो तो √2 × √2 क्या बनेगा 2, 2 + 1 बेटा क्या बनेगा 3, 3/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बेटा सेम ही आ जाएगा, जो बेटा ब्रैकेट आपका ये है वही वाला बेटा ब्रैकेट आपका ये है, तो ये भी बेटा आपका क्या आ जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर और -4। यहां तो कोई दिक्कत बेटा किसी को, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बेटा क्या होगा 9/2 + 9/2, ठीक है, ये क्या आएगा बेटा 9/2 + 9/2 - 4, 9/2 + 9/2 बेटा आपका 9 हो जाएगा, और 9 - 4 बेटा आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यही बेटा आपका क्या है आंसर है। तो बहुत ही कम समय में बेटा ना विद इन 30 सेकेंड्स आप जो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हो, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बेटा तुम्हारी समझ में आएगा। सो नोट डाउन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है, ठीक है, मैं फटाफट से लिखता हूं बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10A। 10A अपॉन 1 माइनस 10A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस कॉट A बड़ा इक्वल आपका K प्लस 10A प्लस कॉट A। ठीक है, आपको बताना है फाइंड K। इसमें बड़ा आपको बताना है फाइंड K, ये जो बेटा के है उसका वैल्यू आपको बताना है। मैंने बताया है, आप अब तक तो क्वेश्चन देख रहे थे बेटा, आपने देखा कि हर एक क्वेश्चन में जो है सर क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर गए जिनमें 45 रख देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि सर इसमें भी हम जो 45 रख देते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन अगर बेटा आप यहाँ पे 45 रखते हो तो 1 माइनस 10 ऑफ 45 क्या बनेगा, 1 माइनस 1 यानी कि डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0। और मैंने मना किया बेटा कि आप कोई भी ऐसा एंगल पुट नहीं कर सकते हो जिससे बेटा पुट करने पर डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, 0 बन जाए। ये वाली बात समझ में आ रही है, तो 0 नहीं बनने देना है बेटा, क्योंकि तुम क्या हो, हीरो हो, तो तुम 0 कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ एंगल पुट करते हैं जिससे हमारा काम भी आसान हो जाए और बेटा डिनोमिनेटर भी थोड़ा खूबसूरत लगे। तो खूबसूरती लाने के लिए मैंने बोला कि आप जो है एक क्या पुट करो, 135। ठीक है बेटा, एक क्या पुट करो, 135। क्यों, क्योंकि बेटा 10 ऑफ 135 जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं बेटा क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब तुम जो है फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा मैथमेटिकल टूल में कि 10 ऑफ 135 बेटा आपके क्या होता है, -1 होता है। 90 प्लस थीटा, मैं ये भी बता देता हूं कैसे आता है कि 10 ऑफ 90 प्लस थीटा बेटा 135 को मैंने क्या लिखा, 90 प्लस 45। अच्छा, ये बेटा 45 जो बेटा किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, तो 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, -cot थीटा, तो बेटा क्या हो जाएगा, -1। तो आपको यही पता चलेगा कि वैल्यू कैसे आया। मैं यहां पे अगर -1 रखता हूं तो बेटा माइनस पहले से लगा हुआ है और -1 जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो बेटा डिनोमिनेटर की खूबसूरती भी रह जाएगी और आपका जो कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो बेटा, यहां पे लिखिए बेटा आप -1/2, ठीक है, प्लस आपका बनेगा क्या, -1/2 ऐसा इधर भी, और बेटा ये क्या हो जाएगा आपका के, और ये हो जाएगा आपका -1 और -1 ऐसा हो जाएगा। 10 ऑफ 135 बेटा -1 है तो कॉट ऑफ 135 भी बेटा क्या होगा आपका, -1 होगा। तो ये देखिए -1/2 और -1/2 आपका क्या होगा बेटा, -1 होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो के -1 क्या बचेगा आपका, 0। तो यानी कि बेटा के आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप देख लेना नोट करके, ये क्वेश्चन भी बेटा 10th की आरडी शर्मा में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको प्रूव करना होगा 10A/(1-10A)=2 प्लस कॉट A/(1-cot A)=2 के प्लस 10A cot A, लेकिन के की जगह क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो आप देख सकते हो कि बेटा एंगल पुट करके हम जो है किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और हमने यहां पे बेटा इस बार जो है बिल्कुल भी बेटा 45 पुट नहीं किया है, क्योंकि बेटा 45 पुट करने पर इस क्वेश्चन में आपका क्या बन रहा था, क्या बन रहा था बेटा, 0। और डिनोमिनेटर में हमको 0 नहीं बनने देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, क्यों नहीं हो रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot theta upon cot theta minus cot of 3 theta प्लस tan theta upon tan theta minus tan of 3 theta, इसका वैल्यू आपको बताना है। अब आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन की बेटा डिफिकल्टी क्या है। इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या है बेटा, कि cot theta upon cot theta minus cot of 3 theta, आपको जो है ये बेटा cot of 3 theta का फॉर्मूला आना चाहिए, यहां पर tan of 3 theta का फॉर्मूला आना चाहिए। इसके बाद आप इसमें बहुत ऊंच नीच करोगे, बहुत सारी आइडेंटिटीज का बेटा यूज करोगे, उसके बाद आप आंसर लेकर के आ पाओगे। और मैं बेटा दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में आपका पेज भरना निश्चित है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा आपको पेज भरना निश्चित है, लेकिन हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं। क्यों, क्यों, हम तो बेटा एंगल पुट करना सीख रहे हैं, तो इसमें हम एंगल क्या पुट करेंगे कि हमारा काम बन जाए। अब देखिए आप 45 अगर रखते हो तो 45 × 3 क्या होता है, 135, और यहां पे माइनस, और ऑलरेडी यहां पे क्या आएगा, -1। तो बट इसी की तरह ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, है ना, बहुत ही आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर लिखिए पुट थीटा इज़ टू 45। अगर मैं यहां पर 45 पुट कर रहा हूं तो आप देखिए फटाफट से कॉट ऑफ 45 बेटा क्या बन जाएगा, 1 1 अपॉन 1
माइनस ऑफ माइनस वन ऐसा बनेगा, कोट ऑफ थ्री डीटा यानी कोट ऑफ थ्री इंटू 45 बेटा क्या बनेगा 135, और 135 का वैल्यू क्या होता है बेटा माइनस वन। प्लस यहां पर आप देखिए 45 यानी कि ऊपर बेटा आपका क्या बनेगा वन, यहां पर वन, नीचे क्या बनेगा बेटा वन माइनस और माइनस ऑफ वन। तो बेटा ये देखिए आपका क्या बन जाएगा 1/2 + 1/2 और बेटा 1/2 + 1/2 दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि क्या होता है, वन होता है बेटा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी सी चीजें तुम्हें जो बेटा ये क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब आप देखिए अगर बेटा ये वाली बातें तुम्हें समझ में आ गई हैं, ठीक है ये वाली बातें तुम्हें समझ में आ गई हैं, तो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिनमें थोड़ा आपको और फील आए कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या, अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्या है मुझे पता है यहां पे कई सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने जो क्वेश्चंस कराए वो सिर्फ वो क्वेश्चंस कराए जिनमें एंगल सिर्फ हमने 45 पुट किया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपका इंतजार खत्म कर देते हैं और बड़ा कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आज का शाम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा + 2 बीटा, इसका वैल्यू बेटा क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका साइन 2 अल्फा, पहला ऑप्शन है बेटा आपका साइन 2 अल्फा, दूसरा ऑप्शन है बेटा साइन 2 बीटा, ओके नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका कॉस 2 अल्फा, नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका कॉस 2 अल्फा, और नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका कॉस 2 बीटा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप कहोगे देखो कोई भी बेटा इन चार में से कोई एक ही आंसर है, नो डाउट है ना, बिल्कुल, और आप बहुत इंटेलिजेंट हो ये वाली बात आप जानते ही हो कि इन चार में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन आपको वो नहीं पता कि बेटा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कई लोग तो जो सोच रहे होंगे एक काम करते हैं यार इसमें जो है हम सब्जेक्टिव तरीके से जाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कुछ नहीं करना। आप देखिए बेटा पहले इसमें एंगल कौन कौन से इन्वॉल्व है, बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, यानी कि दो एंगल का इन्वॉल्वमेंट है। आप बेटा ऑप्शन में देखिए अल्फा बीटा आपके बेटा दो एंगल इसमें इन्वॉल्व है। आपने क्या किया कि अगर आप यहां पे आप एक ऐसा एंगल बेटा सिलेक्ट कर लो, इसका डिनोमिनेटर क्या है बेटा कुछ है नहीं यानी कि वन है, तो हमें कोई भी एंगल हम पुट करेंगे चलेगा। यहां पे क्या बेटा हम कोई भी एंगल पुट करेंगे तो चलेगा, उसका रीजन क्या है क्योंकि डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड होने का कोई खतरा ही नहीं हमें कि बेटा हम कोई एंगल पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो क्या है कि अनडिफाइंड जैसा कुछ बन जाएगा वैल्यू, जिससे हमें क्या वो एंगल नहीं रख सकते, नहीं यहां पे आप कोई भी एंगल पुट कर सकते हो। लेकिन बेटा क्वेश्चन की खूबसूरती तुमसे क्या कहती है कि आप ऐसा एंगल पुट करते बेटा जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए कम हो जाए, क्या हो जाए बेटा कैलकुलेशन कम हो जाए। तो मैंने क्या बोला कि पहले ये देखो बेटा अल्फा बीटा तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे हमारा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि आप क्या कर दो बीटा जीरो कर दो बेटा, क्या पुट कर दो बीटा जीरो पुट कर दो। अगर बीटा आप जीरो पुट करोगे तो साइन ऑफ बीटा बेटा आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला स्टेप आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब अगर ये साइन बीटा आपका जीरो है तो बेटा जीरो को मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये स्टेप क्या बन जाएगा जीरो, क्योंकि बेटा साइन ऑफ बीटा आपका क्या है जीरो है, और जीरो का मल्टीप्लाई तो बेटा किसी में कर दो सुपड़ा साफ कर देता है बेटा। जीरो तो एक ऐसे खानदान से है कि अगर बेटा किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका क्या कर देता है सुपड़ा साफ कर देता है। और बेटा यहां पे ये एंगल भी क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, तो बेटा ये टर्म जीरो और यहां के इसमें अंदर में भी बेटा 2 बीटा जीरो, तो यानी कि आपके पास क्या बचेगा कॉस ऑफ 2 अल्फा। और बेटा आपने देखा कि विद इन 15 सेकेंड आपने किस तरीके से इसका आंसर दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, सो नोट डाउन,
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉस स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, ऐसा, ठीक है बेटा। इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या हुआ। मैं बेटा इसके लिए भी ऑप्शन लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए, नेक्स्ट बेटा ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, कॉस स्क्वायर ए, और नेक्स्ट बेटा आपका सी टेन स्क्वायर ए, एंड ऑप्शन डी है बेटा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन डी का बेटा आपका नन ऑफ दीज है। तो आप देखिए बेटा इतने बड़े क्वेश्चन को मैं जो आपको सब्जेक्टिव भी, ठीक है, जब भी हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम बिल्कुल जो है बेटा बताऊंगा कि मैं सब्जेक्टिव मेथड से कैसे सॉल्व होंगे, और तब आप कहोगे कि नहीं नहीं सर, जो आपने ऑब्जेक्टिव मेथड बताया था, जो आपने इन क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताया था वो ज्यादा बेटर था, सर इतना सारा लिखना हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए फटाफट से कोई ऐसा एंगल सेलेक्ट करिए, डिनोमीटर का तो कोई टेंशन नहीं है, आपको क्या करना है कि कोई एक ऐसा बेटा एंगल सेलेक्ट करना है कि मैक्सिमम टर्म का कैलकुलेशन उड़ जाए। तो अगर मैं b को 90 रखता हूं, किसको बेटा, b को 90 रखता हूं, तो cos ऑफ 90 बेटा क्या बनाएगा, जीरो। मुझे जीरो बनाने की आदत है, क्यों, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, सबसे कम अगर बेटा मैं यहां पे अगर मैं इसमें रखता हूं तो देखिए फटाफट से आप cos स्क्वायर a माइनस 90 ऐसा प्लस cos स्क्वायर 90 ऐसा माइनस टू cos ऑफ ए माइनस 90, और बेटा आपके क्या है कॉज ऑफ ए, तो कुछ भी बना रहने दो, ये क्या हो गया आपका कॉज ऑफ 90, ठीक है। तो इस कॉज ऑफ 90 का वैल्यू बेटा क्या है, जीरो, और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा सब क्या बना देगा, जीरो बना देगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉज ऑफ 90, कॉज स्क्वायर 90 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर बेटा क्या आता है, साइन स्क्वायर ए, और ये भी बेटा आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन बेटा बहुत ही बेहतरीन थे, आपने देखा कि आपने किस तरीके से एक एंगल सेलेक्ट करके बेटा कैलकुलेशन पूरे पूरे स्टेप उड़ा दिए हैं, ठीक है, छोटी सी चीज बची है, आप जो 15 सेकंड में बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। सो नोट डाउन, बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से, बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं बड़ा क्या कह रहा है, ठीक है। और आज की क्लास का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो आज की क्लास का बड़ा क्वेश्चन नंबर 9, और कह रहा है इफ टेन स्क्वायर अल्फा, बड़ा कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि इफ टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल बेटा 1+2 टेन स्क्वायर बीटा के, किसके बेटा, टेन स्क्वायर बीटा के। आपको जो फाइंड करना है, आपको जो बेटा फाइंड करना है क्या, √2 cos α - cos β, क्या फाइंड करना है बेटा, √2 cos α - cos β। आपने क्या किया देखिए फटाफट से, आपने कहा अच्छा ऐसी बात है, आपने क्या किया, आप तो यहां पे देखिए एक इक्वेशन दो वेरिएबल, बेटा यहां पे देखिए अगर ये आपका लिखा हुआ है, आपने क्या किया कि बेटा बीटा को जीरो कर दिया, बीटा को जीरो करोगे तो बेटा टेन स्क्वायर बीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो आपका बचेगा क्या, टेन स्क्वायर अल्फा बेटा क्या बचेगा, वन बचेगा, क्योंकि आपने बीटा को क्या पुट किया है, जीरो, बीटा को क्या पुट किया बेटा, जीरो, तो टेन स्क्वायर अल्फा बेटा आपका क्या बचेगा, वन बचेगा। अगर टेन स्क्वायर अल्फा आपका वन है तो बेटा टेन अल्फा आपका क्या होगा बेटा, वन होगा, ठीक है। अल्फा बेटा आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों एंगल आपको मिल गए बेटा, बीटा जीरो आपका और अल्फा क्या है, 45। आप पुट से यहां पे क्या करो, वैल्यू रख दो बेटा, तो क्या बनेगा, √2 cos ऑफ 45
माइनस कॉस ऑफ जीरो ऐसा, तो फिर क्या बनेगा बेटा, रूट टू इंटू कॉस ऑफ 45 बेटा आपके क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट टू, और कॉस ऑफ जीरो बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। रूट टू से रूट टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 बेटा आपके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन थे बट मैंने बेटा ऑप्शन लिखे नहीं, क्योंकि ऐसे ही कर लेना ज्यादा सही है। उम्मीद है कि बेटा समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बराबर से। एफ एफ कॉज एक्स इक्वल टू, एफ कॉज एक्स इक्वल टू टू कॉस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस कॉस ऑफ वाई। कॉज एक्स इक्वल टू बेटा टू कॉस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस कॉस ऑफ वाई आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है टेन एक्स वाई टू। मैं इधर लिख देता हूं बेटा, जो फाइंड करना है इधर ही लिख देता हूं, फाइंड टेन ऑफ एक्स बाई टू इंटू कॉट ऑफ वाई अपॉन टू, ठीक है। इसका वैल्यू आपको बताना है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस बेटा अभी तक आपको कराए हैं सारे बेटा आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना, और बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। क्यों नहीं क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने के एंगल सोचना है और कैलकुलेशन का सुपड़ा साफ कर देना है, ठीक है, यानी कि जीरो को याद कर लेना है। ओके, सो यहां पर बेटा मैं क्या करूं, यहां पर मैं क्या रखूं कि यहां से मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए। अगर मैं मेरे दिमाग में ये देख करके, ये न्यूमरेटर बेटा इसका जो पार्ट है इसको देख करके मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये अगर मैं कॉस वाई की जगह अगर यहां पे बेटा पुट कॉस ऑफ वाई इज टू वन बाई टू, अगर मैं यहां पे कॉस ऑफ वाई की जगह बेटा वन बाई टू पुट करता हूं तो टू इंटू वन बाई टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन माइनस वन क्या बन जाएगा, जीरो, और जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग कुछ भी हो जीरो आएगा बेटा, यानी कि कॉस ऑफ वाई अगर आपका 1 बाई टू है तो वाई बेटा आपका क्या है 60 डिग्री, जाहिर सी बात है। अगर कॉस वाई को बेटा आपने 1 बाई टू पुट किया है तो वाई का वैल्यू क्या रहेगा बेटा 60 डिग्री रहेगा। अगर बेटा आप 60 डिग्री रखते हो तो कॉस ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस ऑफ वाई ऐसा, तो 2 से 2 बेटा आपका यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस 1 बेटा जो क्या बना देगा 0 बना देगा, तो cos of x बेटा आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos of y, यानी कि बेटा आपका cos of x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर cos x बेटा आपका 0 है तो x को क्या होना पड़ेगा 90 होना पड़ेगा, दोनों ही एंगल आपको मिल गए, जो क्योंकि बेटा x का भी चाहिए आपको और y का भी आपको वैल्यू चाहिए था, आपने क्या किया इसमें पुट करना स्टार्ट कर दिया, तो बेटा मैं यहां से अब पुट कर रहा हूं तो tan ऑफ x बेटा आपका क्या 90 है, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट ऑफ बेटा y आपके क्या 60 है तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा, तो tan बेटा ये क्या हो जाएगा 45, तो आपका मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है tan ऑफ 45 इंटू और इससे बेटा 30 तो क्या हो जाएगा cot ऑफ 30, तो tan ऑफ 45 का बेटा वैल्यू 1 होता है और cot ऑफ 30 बेटा आपके क्या होता है tan 30 1 बाई रूट 3 होता है, तो बेटा कॉट ऑफ 30 क्या होगा रूट 3, तो 1 इंटू रूट 3 तो आपने बेटा आंसर क्या आ गया रूट 3, ठीक है। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यही बेटा आपका क्या है आंसर है। अब बेटा कैसा ही क्वेश्चन हो एंगल से बेटा तुरंत फोड़ सकते हो, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बेटा यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, सो नोट डाउन। एंड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल ऐसा ही है और आपको जो है इसी तरीके से बेटा एक इक्वेशन गिवन होगा और एक का आपको आंसर फाइंड करना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इफ साइन थीटा इज क्वेश्चन टू 3 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा देन फाइंड, बेटा आपको वैल्यू फाइंड करना है, देन फाइंड टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, बेटा इसका वैल्यू आपको बताना है। आपने क्या किया, आप तो एक काम कर लो, क्या कर लो
बेटा आप कुछ ऐसे एंगल ढूंढ लो कि थीटा अल्फा मिल जाए। जैसे बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला कि काम करो यार, थीटा क्या करते थे, जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये जीरो पुट करें तो थीटा, अगर बेटा जीरो पुट करते हैं तो इधर आपके क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री साइन ऑफ, और ये थीटा जीरो बनेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, टू अल्फा, ठीक है। यानी कि साइन ऑफ टू अल्फा बेटा आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अगर साइन ऑफ कोई भी इनपुट है वो जीरो है तो जाहिर सी बात है इनपुट क्या होगा, जीरो, तो टू अल्फा आपका क्या रहा होगा, जीरो, तो अल्फा भी बेटा आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और आपने थीटा क्या पुट किया था, जीरो पुट किया था, ठीक है। आप क्या करो बेटा, यहां से वैल्यू रख लो, टेन ऑफ क्या बनेगा बेटा, जीरो प्लस टू, टेन ऑफ क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि थीटा भी क्या है, जीरो, और बेटा अल्फा भी क्या है, जीरो, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू बेटा जीरो, इसका भी जीरो है, तो आपको फाइनल आंसर बेटा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आज जो हमने ये 9 to 10 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जिनमें पहले हमने देखा बेटा कि किस तरीके से हमें जो एंगल पुट करना है, और सेकंड जो आप हमने किया बेटा उसमें भी आपने देखा कि बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 45 से ही हमारे क्वेश्चन बनेंगे, कई बार हमें जो है जीरो पुट करना पड़ेगा बेटा, कई बार 90 पुट करना पड़ेगा, कई बार 45 पुट करना पड़ेगा। और आपको बेटा हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में एंगल पुट करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि बेटा आपका डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं बनना चाहिए, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप जो उस एंगल को कभी भी पुट नहीं कर सकते हो बेटा। ऐसा नहीं, इट्स अ फंडामेंटल मेथड, ये हमेशा बेटा अप्रोच, आपका जो अप्रोच है ये हमेशा काम आया है, आता है और आएगा, ठीक है। तो आप जो है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि सब्जेक्टिव मेथड और बेटा ऑब्जेक्टिव मेथड दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड से बड़ा आंसर आता है आपको बेटा, ऑब्जेक्टिव मेथड से भी आंसर आता है, और जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या बेटा हमारे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, इसीलिए हम इस तरीके के अप्रोच का यूज करते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि बेटा आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर बेटा आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप बेटा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आई एम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इसी सेशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।